कि सुबह का सूर्य उदय हुआ और शिवरात्रि का दिन शुरू हुआ। शिव और शक्ति ये तो केवल दो इष्ट और देवता है, केवल इतना ही, लेकिन असलियत तक तुम कब पहुंचोगे? शिव को जानने का एक ही तरीका है और वो है शिव की वाणी। शिव ने स्वयं तक पहुंचने के उपाय दिए हैं, स्वयं को जानने के भी उपाय दिए हैं और इन दोनों जीव और ब्रह्म के परस्पर संवाद के बीच में रहने वाली माया के रहस्य को भी प्रकट किया है। लेकिन असली शिवरात्रि किसकी है? उसी की जो जानता है कि शिव तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है और उनकी वाणी अर्थात आगम निगम क्या है। आगम और निगम, शिव ने जो कहा वो आगम, देवी ने जो सुना वो निगम, और जो देवी का पक्ष है वो निगम का है, जो शिव का पक्ष है वो आगम का है। इन दोनों संवादों के मध्य में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य और सार छिपा है, हमारे जीवन का सार, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी इस शैव तंत्र को समझा है? क्या आप इस शाक्त तंत्र से परिचित हैं? नहीं, क्योंकि आप तो डरते हैं ना, क्योंकि अगर किसी ने तंत्र कह दिया तो इसका मतलब है कि वो तो कोई बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति, जो विद्या स्वयं महादेव प्रदान करने वाले हों वो निम्न कोटि की विद्या नहीं हो सकती। इसलिए तुमको ये जानना होगा इससे पहले कि शिव का ये दिन समाप्त हो जाए और शिव की ये रात धीरे धीरे शुरू होने शुरू हो। शिव दिवस नहीं है, शिव रात्रि है, तो अभी रात आने वाली है। तो ये रात क्या है? आगम निगम की रात, तो इसे खोना मत। कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं आगम निगम में जिनको अपनी इन आंखों को बंद करने से पहले समझने की कोशिश कर, भीतर उतारने की कोशिश कर, तभी वास्तव में शिवरात्रि का अर्थ समझ आएगा। शिव और शक्ति का तो बाहर से विवाह हो रहा है, लेकिन इस स्थूल विवाह के भीतर जहां शिव तत्व और शक्ति तत्व का परस्पर संबंध और सायुज्य है, उसे देखा है क्या, अनुभव किया है क्या? वही अनुभव करना ही तो शिवरात्रि है। और हमारे भीतर एक अज्ञान की रात्रि है, महारात्रि, दुखों की घनघोर रात्रि है, दारुण रात्रि, जिसको शक्ति जीतती है काल रात्रि। काल रात्रि का जब सर्वत्र निवास है, उसके मध्य में जो शक्ति का एक शिव तत्व है, एक धारक है, उसकी एक रात है जिसे शिवरात्रि कहा गया। शिवलिंग जिसका प्रतीक है, प्रकाशपुंज जिसका प्रतीक है, तो क्या इन रहस्यों को जान? नहीं तो फिर शिवरात्रि अधूरी रह गई। इसलिए शिवरात्रि का मर्म और शिव का सार जानना है तो यह जरूरी है कि इस सूत्र में से जाना जो शिव की श्वास कहा जाता है आगम है, जो भगवती की श्वास कहा जाता है निगम है। आगम और निगम दिन और रात है, इसलिए शिव की इस महिमा को जानने के लिए, शिवरात्रि के इस दिन को शिवरात्रि बनाने के लिए शिव की वाणी की ओर अपना रुख करना और जानने की कोशिश करना कि शिवरात्रि का मर्म आखिर है क्या। बस अभी तो मैं इतना कहूंगा, लेकिन शिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। ये शिवरात्रि आपके जीवन में मंगल लेकर आए, कल्याण लेकर आए, यही कामना है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। नमो आदेश।